तो विषय ये उठता है कि कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों दल मिलकर के कहीं ना कहीं शिवसेना को कॉर्नर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मीटिंग चल रही है ये दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ एनसीपी के बड़े नेता इन सारी चीजों को नकार रहे हैं। तो इसमें से क्या समझे? तो एनसीपी और कांग्रेस ये दोनों दलों का कहीं ना कहीं शिवसेना को कॉर्नर करने का प्रयास इन सारी बयानबाजी से सामने आता है। महामहिम राज्यपाल जी ने उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया था, तो और 24 घंटे का वक्त दो, हम सरकार स्थापित करेंगे, इस प्रकार की बातें शिवसेना के नेता कर रहे थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात थी, तो 24 घंटे के बाद तो और कई सारे दिन बीत गए, फिर अभी भी 170 की लिस्ट कहाँ है? 101 टक्का शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं समाप्त हो जाएगी और शिवसेना का चीफ मिनिस्टर इस राज्य के लिए उद्धव जी के रूप में इतना संयम वाला, इतना होनार, होशियार और गरीबों को न्याय देने वाला, किसानों की भावना जानने वाला, किसानों के जो कर्ज है उसको माफी देने का जो वादा करने वाला, ऐसा एक आदमी, ऐसा एक इंसान, ऐसा एक नेता जब ऐसी चेयर पे बैठ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सरकार पहला ऐतिहासिक सरकार होगा कि जिसने किसानों के लिए इतना बड़ा योगदान दे